हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर फ्रॉम क्लास 7, जो कि चैप्टर नंबर 12 है आपका। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। देखो यार, काफी दिनों से लेक्चर नहीं आया, मैं जानता हूँ इस बात को, एंड आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके बहुत लेक्चर्स आए, नाइन्थ के तो वो भी नहीं आए, एट्थ के नहीं आए, टेंथ के कम आए, प्लीज तो इसको थोड़ा सा समझो। और अभी बिना किसी टाइम पास के यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? बाकी तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं शिवम जाम, एजुकेटर बाई चॉइस, एंड मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट करना, मैं फटाफट लेना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे टाइम की बहुत कमी है, ठीक है? ये हेलो को इग्नोर करो और चलो शुरू करते हैं। वॉट इज मेंट बाई ऑर्गन सिस्टम, बड़ा सही सा सवाल है कि ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो देखो यार, मैं तुम्हें इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम बताता हूँ, ठीक है, कि बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, तुम्हें पता है ना, बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाएंगे, ठीक है? अब टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। सिंपल था। अब देखो, हाउ आर बोन्स इन आर बॉडी ज्वाइंट टू इच अदर, भी नीचे पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, कि बोन्स किस तरीके से ज्वाइंट होते हैं, मसल्स कैसे ज्वाइन है, सब पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पे क्या बोला है, देखो, मस्कुलर सिस्टम करके एक चीज बोला है कि आपका जो हाथ है उसको आप इस तरीके से फोल्ड करके देखो। अब बट ऑब्वियस, अगर आप इस तरीके से हाथ को फोल्ड करोगे तो आपको यहाँ पे एक पंप महसूस होगा बाइसेप का, राइट? तो ये एक मसल है बेसिकली। तो हम जो हमारी बॉडी को रिलैक्स कर पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, अपने फिस्ट को ऐसे बंद किया खोला, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, इसको बोलते हैं रिलैक्स होना, ठीक है? तो ये सब कर क्यों पाते हैं, बिकॉज ऑफ मसल्स। ये सारी चीजें हम मसल्स के कारण कर पाते हैं। तो देखो, वही पूछा है, हार्डनेस वगैरह आपने फील किया कि नहीं। अब मसल्स क्या है, ये सवाल उठ सकता है। तो मसल्स का देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड। तो मसल्स क्या होता है, बंडल्स ऑफ फाइबर, मान लो ना ऐसे बहुत सारे धागे हैं, फाइबर्स हैं, उनका एक बंडल है जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और रिलैक्स हो सकता है। काफी सिंपल था, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे कैन यू टेल करके क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मसल्स एंड बोन्स। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से आपको विजुअलाइज करने के लिए कहता हूँ कि विजुअलाइज करके देखो कि आपके शरीर में खाली मसल्स है, एक भी बोन नहीं है, क्या आपका बॉडी ऐसे सही तरीके से खड़े रह पाएगा? आंसर इज नो, राइट? अब विजुअलाइज करो कि आपके शरीर में मसल्स ही नहीं है, खाली हड्डी है, तो यार स्केलेटन दिखोगे तुम। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बेसिकली, आर यू गेटिंग इट? अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या दिखा है कि मसल्स आर फर्मली अटैच्ड, मतलब आराम से, ठीक है, टू बोन्स बाय मीन्स ऑफ टेंडॉन्स। तो मसल्स किससे जुड़े होते हैं, बाय मीन्स ऑफ टेंडॉन्स, ठीक है। When muscles contract, there is a movement at the joint and the bones move either nearer or away from each other. जब muscles contract करते हैं, क्या बोला, When muscles contract, there is movement at the joint. Joints पे movement होता है, देखो यहाँ पे जब contract हो रहा है मसल, देखो ये relaxed है, ये मसल यहाँ पे कैसा है, relaxed है। जब ये contract हुआ तो यहाँ पे actually एक movement हुआ है, देखो यहाँ पे movement, are you getting it? Movement है बच्चों, ठीक है। देखो, द एक्शन ऑफ मसल इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट। आपके मसल्स का एक्शन बहुत जरूरी है हर टाइप के मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। फ्रॉम द स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ आईलिड, जो अभी देखो मेरी जो आंख है, स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ आईलिड के लिए भी मसल्स की जरूरत है, तुम करके देखो ना यार, ठीक है। टू दोज दैट डिमांड स्ट्रेंथ एज चॉपिंग ऑफ वुड विथ एन एक्स, वी यूज मसल्स इन वेरियस मूवमेंट लाइक टॉकिंग, लाफिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा। मतलब बोलने का मुद्दा ये है कि छोटी से पलकों को झपकाना, मतलब आईलिड्स को खोलना बंद करने से लेकर के एक कुलाड़ी लेकर के एक पेड़ काटने जाओगे, उसमें भी मसल्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो छोटे वर्क्स के लिए भी मसल्स का रिक्वायरमेंट होता है, बड़े कामों के लिए भी मसल्स का रिक्वायरमेंट होता है। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो हम देख लेते हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन एन ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी में 600 से ज्यादा मसल्स होते हैं। मसल्स कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वेट, आपका जो वेट है, मान लो आपका वेट 100 kg है, तो इसमें से 40 kg का क्या होगा, आपका मसल्स होगा, ठीक है, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं। अगला देखो, ठीक है, देयर आर अबाउट 30 मसल्स इन एन ह्यूमन फेस, हमारे मुंह पे, मतलब ह्यूमन फेस पे 30 मसल्स होता है। आवर आईज, माउथ, नोज आर इनसर्कल्ड बाय स्मॉल मसल्स, ये सारी चीजें छोटे छोटे मसल्स से बनी होती है। एक्सप्रेशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर आर एक्सप्रेस्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ दिस मसल्स ऑफ द फेस। तो जो भी एक्सप्रेशन हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस मसल्स, ठीक है। हैप्पीनेस, सैडनेस, जो भी होता है, सब मसल्स के कारण होता है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया आपको, और मैं काफी जल्दी कर रहा हूँ, आई नो दैट, बट क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे एक्सप्लेन कर देना है लाइन टू लाइन, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा, कैन यू टेल करके, आर द मसल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन आर बॉडी आइडेंटिकल, तो जवाब नहीं है। क्या आपके हाथ का मसल और आपके पेट का मसल सेम है? नहीं यार, अलग अलग मसल्स होते, तो मसल्स के टाइप होंगे बेसिकली, बोलने का मतलब ये है। अभी देखो यार, यहाँ पे एक चीज लिखा है, वॉलेंट्री मसल्स।
तो वॉलेंट्री मसल्स वो वाले मसल्स होते हैं जिनको आप अपने इच्छा से कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे वर्किंग विथ हैंड, अपने हाथ को आप खुद से काम करते हो, या फिर आपका हाथ ऐसे जाता है फोन के पास, फोन 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 ऐसे जाता है क्या? नहीं। तो मुझे बताओ, आप लिखना कि हाँ सर, आप लिखना चैट में, कॉमेंट्स में लिखना कि वी सी, मतलब हम वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं देखूंगा कितने लोगों ने लिखा है, ठीक है, मैं समझूंगा कि आपने यहां तक देखा है वीडियो को, ठीक है। मसल्स यूज्ड इन दिस एक्शन आर कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स। फॉर एग्जाम्पल, मसल्स इन आवर आर्म्स एंड लेग्स आर वॉलेंट्री मसल, जिसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होगा सर? इनवॉलेंट्री मतलब जैसे हम खुद से नहीं कंट्रोल कर सकते, हमारे विल में नहीं है। देखो, जैसे जैसे आपका ब्रीथिंग, डाइजेशन, लीवर को कंट्रोल कर सकते हो, तो मुझे बताओ किडनी को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर खराब हो गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा, कंट्रोल नहीं कर सकते भाई साहब, ठीक है। वेरियस प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन आर वाइटल फंक्शन, मतलब बहुत जरूरी है ये, दे आर इसेंशियल फॉर लाइफ, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन आर विल, वो हमारे इच्छा पे डिपेंड नहीं है। दिस मसल्स ऑफ ऑर्गन्स कैरी आउट द इनवॉलेंट्री फंक्शन, मतलब अपना अपना चाल है उनका, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मसल्स। फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, हर्ट आर कैरिड आउट बाई देयर ओन फिक्स्ड मैनर बाई इनवॉलेंट्री मसल्स। तो अपने आप कैरी होता है, इसको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। काफी सिंपल है। अगला देखो, विच ऑर्गन्स इन आर बॉडी हैव वॉलेंट्री मसल्स एंड विच वन हैव इनवॉलेंट्री मसल्स, फाइंड आउट एंड लिस्ट ईच टाइप। मतलब आपको करना ये काम, बेसिकली आप कर लो, आपको समझ में आ गया, जिसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो वॉलेंट्री, जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो इनवॉलेंट्री। तो भाई साहब, टाइप्स ऑफ मसल में चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ मसल। तो देखो, टाइप्स ऑफ मसल की बात कर लेते हैं। मैं पेन का कलर बदल देता हूँ यार, पेन का कलर बदल देते हैं, ब्लैक कर देते हैं पेन को, ठीक है। तो चलो, ब्लैक ब्लैक पेन से करेंगे। तो पहला है स्केलेटल मसल। तो व्हाट इज मेंट बाय स्केलेटल मसल? देखो, यहाँ पे बोला है द टू एंड्स ऑफ ईच ऑफ दिस मसल्स आर अटैच टू टू डिफरेंट बोन। तो स्केलेटल मसल वो वाले मसल होंगे भाई साहब आपके, जिसके दो एंड, मान लो ये स्केलेटल मसल है, तो ये एक अलग बोन को अटैच होगा, ये एक अलग बोन को अटैच होगा, इसको स्केलेटल मसल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच मसल्स आर मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। आपके मसल्स ऑफ आर्म्स और लेग्स इसके एग्जाम्पल है। दे आर मूवमेंट्स आर वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री होता है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑफ बोन्स ऑफ द स्केलेटन टुगेदर एंड गिविंग शेप अप आर बॉडी। यही वो मसल्स होते हैं जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपके शरीर के सारे मसल्स को एक साथ और बोन्स को एक साथ पकड़ के रखें और आपके बॉडी को एक शेप दे, गिविंग शेप। तो सिंपल है, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पॉइंट पॉइंट में लिखते चले जाना, मैं तो लाइन टू लाइन समझाने वाला हूँ भाई साहब, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ ये। हालांकि मैं ये हेट करता हूँ लाइन टू लाइन समझाना, बट आई डू फॉर सेवेंथ एंड एट स्टैंडर्ड, ठीक है। अगला देखो, हर्ट और कार्डिक मसल। कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? कलेजा खाते हो? कलेजी खाया कभी? ठीक है, तो अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको पता होगा कार्डिक मसल अलग होते हैं, हर्ट का मसल थोड़ा अलग ही होता है, ठीक है। तो वही है बेटा, दिल का मसल की बात हो रही है, दिल की बातें हो रही है। दिस मसल्स ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बीटिंग। जो आपका दिल धड़कता है ना, दिल धड़कने दो, ये दिल धड़कता इस मसल्स के कारण है, कार्डिक मसल और हर्ट मसल्स के कारण, ठीक है। ऑफ द हर्ट देयर मूवमेंट इज इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री होता है भाई साहब, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली, देखो ये कार्डिक मसल्स कॉज अवर हर्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ 70 टाइम्स पर मिनट। तो आपका जो दिल है ना, वो 70 बार धड़कता है 1 मिनट में, और किसी समझ रहे हो ना, को देख करके शायद 140 बार धड़के, तो और अगर वो आपको ना देखे तो फिर थोड़ा 35 बार धड़के। ये भी आम बात है, ये भी आम बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं? दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन आर इंटरनल ऑर्गन्स। ये वो मसल्स है भाई साहब जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में पसंद नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। अब व्हाट डू आई मीन बाय इंटरनल ऑर्गन? तुम्हें पता है नोज एक्सटर्नल है, ठीक है, लंग्स इंटरनल है, तो समझ गए होगे तुम, ठीक है। देखो, फॉर एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल, यूटेरस एक्सेट्रा, सारे पार्ट पढ़ोगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो। देयर मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री होता है, लिवर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लंग्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड स्लोली वेरियस वाइटल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी विच वी रिमेन क्वाइट अनअवेयर आर कैरिड आउट बाय दिस स्पेशल मसल्स। तो ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं और ये वॉलेंट्री होते हैं, और काफी सारे वाइटल फंक्शन इन दोनों के कारण कैरी आउट होता है। कतई सिंपल है, जहर एकदम सिंपल सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, थोड़ी देर में तुम बोलोगे सर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया, क्या तूफान की तरह चैप्टर को भगा रहा हूँ। बाकी आगे के चैप्टर बहुत छोटे हैं, इसलिए भी मैं नहीं ले रहा था, मतलब बच्चे स्मार्ट है यार, पैसे कमाने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे मजा आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। चलो, हाउ डू मसल्स परफॉर्म देयर फंक्शन?
बसल अपने फंक्शन कैसे करते हैं, तो देखो, होल्ड योर आर्म स्ट्रेट एट द एल्बो एट 180 डिग्री, ऐसा हाथ को करो विदाउट क्लोजिंग योर फिस्ट, ऐसा खोल के करो, ठीक है। बेंड द आर्म एट द एल्बो थ्रू 90 डिग्री, अब बोल रहा है कि यहां से उसको 90 डिग्री पे ऐसा मोड़ो, ठीक है। टच द शोल्डर विथ योर फिंगर्स अप सेम साइड, अभी इससे ऐसा टच करके देखो, ठीक है। मसल्स ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्सेस ड्यूरिंग द अबो थ्री एक्शन, तो जब ये तुमने एक दो और तीन किया तो तुम्हारे कौन से बॉडी के पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुए, कौन से रिलैक्स हुए, तो अगर तुम देखोगे तो जब मैंने ऐसे किया था तो ये वाला थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला रिलैक्स था, ठीक है। जब मैंने ऐसे किया तो अब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और नीचे वाला रिलैक्स है, लेकिन जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बाइसेप ट्राइसेप का खेल है, दिखाता हूं मैं क्या है। मसल्स ऑफ आवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन ग्रुप, हमारे जो मसल्स है बॉडी के वो हमेशा ग्रुप में काम करते हैं। व्हेन सम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अदर मसल्स ऑफ द सेम ग्रुप रिलैक्स, तो जब कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब कड़क होंगे तो कुछ और रिलैक्स होंगे, ठीक है। दिस इज हाउ मसल्स इन हेल्प इन द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, इस तरीके से मसल्स प्रॉपर फंक्शन में हेल्प करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन अपर आर्म इज कॉल्ड बाइसेप, आपके यहाँ वाला जो मसल है भाई साहब, यहाँ वाला दिख रहा होगा कैमरे में, उसको क्या बोलते हैं, बाइसेप बोलते हैं। और मसल एट द बैक इज कॉल्ड एज ट्राइसेप, तो ये वाला जो मसल होता है इसको ट्राइसेप बोलते हैं, आपको पता होगा, इतना बेसिक्स तो पता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, यहाँ पे कुछ मसल्स के नाम दिए हुए हैं और अब पढ़ लो। What will happen if the cardiac muscle do not move? दिल का दौड़ा आ जाएगा, तुम्हें हार्ट अटैक आएगा, तुम मर सकते हो। Food enters the stomach and stomach muscle do not move. Constipation हो जाएगा समय के साथ, आपको vomiting हो सकती है, खाना अंदर ही नहीं गया तो digest ही नहीं होगा, आपको भूख लगी रहेगी, बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, गैस बन सकता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसको chest muscle बोलते हैं, इसको bicep बोलते हैं, ये वाले को bicep बोलते हैं, इसको flexor बोलते हैं, ये देखो मेरा इधर ही, इसको flexor बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको deltoid बोलते हैं, जब आप जिम जाओगे भविष्य में तो आपको पता चल जाएगा। ये abs बोलते हैं, इसको abdominal muscle बोलते हैं। ये quadriceps, इसको बोलते हैं quadriceps, quadriceps, हाँ quadriceps, मैं तो इसको क्वाड्स बोलता हूँ बेसिकली, ठीक है, इसको क्वाड्स बोलते हैं, इसको फ्लेक्सर कहते हैं। तो अलग अलग मसल्स के पार्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, माफ कर देना बच्चों। ये वाला पार्ट आप पढ़ लेना, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं बताया। मसल्स ऑफ अ बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड इफिशियंट, उनको डाइट चाहिए होता है, प्रोटीन से ग्रो होता है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज करोगे तो थोड़ा हेल्दी रहेगा, ग्रो होगा, वो सब लिखा है, तुम पढ़ लेना, ठीक है। अभी अगला जो पार्ट है, मैं सोच रहा हूँ अब किसी और दिन ले लेता हूँ, लेकिन फिर किसी और दिन के चक्कर में छोड़ेंगे तो दो पेज के लिए रह जाएगा। सो और मेरे नाक पे पता नहीं क्यों खुजली हो रही है, ठीक है, तो आई थिंक देखो किसी चीज से एलर्जी है, जब जब लेक्चर लेता हूँ तब खुजली होती है। तो देखो अगला डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है अपने को, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो देखो क्या लिखा है, What happens to the food we eat inside our body? क्या होता है, पच जाता है, खाना खाते हैं पच जाता है, फिर हम चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब होता कैसे बेसिकली, does this food mix as it is in the blood? नहीं यार, जैसे खाओगे वैसे ही थोड़ी मिक्स हो जाता है, कुछ तो बदलाव आते होंगे, तो देखते हैं, वही सब पढ़ना है हमें। तो कन्वर्जन ऑफ फूड इंटू सॉल्यूबल फॉर्म एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इंटू द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन, तो जो फूड तुमने खाया उसका सॉल्युबल फॉर्म, मतलब जिसमें वो मिल सकता है तुम्हारी बॉडी में, उस फॉर्म में कन्वर्ट होना और फिर उसका एब्जॉर्ब हो जाना, मतलब ब्लड के अंदर, उसको बोलते हैं डाइजेशन। समझ गए, डाइजेशन का मतलब जो तुमने खाया पहले उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर तुम्हारे बॉडी में ब्लड में उसको एब्जॉर्ब कर लिया, इसको डाइजेशन कहते हैं। तीन बार बोल चुका हूं मैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, जो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एलिमेंट्री कैनल होता है, पता चलेगा तुम्हें आगे चल के कि व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये भी बताऊंगा, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज 9 मीटर, भाई साहब 1 मीटर इतना कुछ लंबा होता है, और तुम्हारे जो एलिमेंट्री कैनल है 9 मीटर का है और तुम्हारे छोटे से पेट के पास है, ठीक है। इट मेन पार्ट्स आर माउथ, फेनरियक्स, ओसिफोगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सब पार्ट समझाने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो। द सलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो ये तीन ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, कनेक्टेड टू द एलिमेंट्री कैनल, ये एलिमेंट्री कैनल को कनेक्टेड होते हैं। देखो अभी गायब हो जाएगा काला, फिर आपको दिखेगा, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टमेटिकली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द डाइजेशन, देर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड, एट ईच स्टेज देर इज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच परफॉर्म्स द स्पेसिफिक रोल, लेट्स अस स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब बोलने का मतलब क्या है भाई साहब, ऑर्गन सिस्टम जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था ना ऊपर, कि बहुत सारे ऑर्गन है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, पैंक्रियाज है, ओसिफोगस है, माउथ है, टीथ है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स है, ये साथ में काम कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों, ये एक सिस्टम बना रहे हैं और इसी को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गन सिस्टम,
ठीक है। और ये वाला जो ऑर्गन सिस्टम है भाई साहब, उस ऑर्गन सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये सारे ऑर्गन का गोल है फूड का डाइजेशन, समझ रहे हो। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीत के बारे में देखते हैं। जो सबसे पहला बात है वो तीत है तुम्हारा, तीत, तुम तीत से चबाते हो ना खाने को, ठीक है। तो तीत को पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद द फंक्शन ऑफ द तीत इन द माउथ। तुम्हारा जो मुंह में जो दांत है उससे शुरुआत होता है तुम्हारे डाइजेशन का। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ तीत, चार टाइप के तीत होते हैं बेसिकली, नेमली इंसिसर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ईच टाइप ऑफ तीत हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। ईच तीत इज कवर्ड बाय हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड एज इनामेल। और सेलिबरी एमलाइज, इसका नाम है सेलिबरी एमलाइज भी नाम है इसका। प्लेटीन कन्वर्ट द स्टार्च इंटू सुगर कॉल्ड एस मेल्टोज। तो जो तुम खाते हो उसका स्टार्च का कन्वर्ट हो जाता है सुगर में, जिसका नाम है मेल्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे खाली मेल्टोज है। देखो भाई, एक इंसिसर होता है, काटने के लिए हेल्प करता है ये कैनिन, ठीक है। प्रीमोलर एंड मोलर, ये इस टाइप के दांत है, तुम्हें पता है, तुम खाते पीते रहते हो तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि किस दांत से तुम क्या करते हो, खुद को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना भाई साहब, सब समझ जाएगा। चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो एक नया वर्ड बोला है यहाँ पे, लर्न अ न्यू वर्ड, जिसका नाम है एंजाइम। तो एंजाइम वो सब्सटेंस होते हैं जो तुम्हारी बॉडी सिक्रेट करती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, विच ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। तो इट्स लाइक अ कैटलिस्ट, ठीक है, इट्स लाइक अ कैटलिस्ट जो हेल्प करता है बेसिकली डाइजेशन में, ठीक है। तो देखो, डाइजेस्टिव इंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन फूड मटेरियल। मेटाबॉलिक मतलब खाना खा के पचा लेने तक का टाइम, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट इंजाइम। तो तुम्हारा खाना खाने का पचा के उससे एनर्जी लाना बहुत मुश्किल है विदाउट इंजाइम, ठीक है। इंजाइम्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, दे आर मोस्ट एक्टिव एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। तो तुम्हारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा उस पर वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, एंड दे आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन बेसिकली। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला डायग्राम भाई साहब हमको अच्छे से समझना है, और ये एक लास्ट का पन्ना है जिसमें खाली हम ये वाला देखेंगे और खत्म हो जाएगा अपना ये। तो एक एक करके देखते हैं यार, एक एक करके देखते हैं और खत्म करते हैं, आज ही अपलोड मार दूंगा वीडियो को 6 बजे तक। तो यार माउथ का मतलब क्या है? माउथ का मतलब तो मुंह है, काम क्या है इसका? डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। तुम्हारा जो खाने का डाइजेशन है वो तुम्हारे मुंह में शुरू हो जाता है। फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ इट इन वेरी स्मॉल पीसेस। तो तुम्हारे खाने मुंह में जाने के बाद उसको तुम च्यू करके बहुत छोटे छोटे पीसेस में बदल देते हो, लाइक एक रोटी का टुकड़ा लिया चबा के छोटा कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि एक बार मुंह में लेने के बाद 30 टाइम च्यू किया करो, खाना डाइजेस्ट अच्छे से होगा। 30 बार कम से कम च्यू करो, गिनना स्टार्ट कर दो, एक समय आएगा तुम अपने आप करोगे। अगला है सेलिवरी ग्लैंड्स। सलाइवा इज प्रोड्यूस बाय द सेलिवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। तुम समझ रहे हो ना, सालिवा सलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कहाँ गए यार, फिर से अपन बहुत नीचे आ गए, तो अभी वापस आना पड़ेगा हमको, ठीक है बच्चों। अभी ध्यान से देखो क्या है, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, आपके कानों के आसपास होता है। देखो यहाँ पे डायग्राम वगैरह दिखाया है सब कुछ, तो तुम टेंशन मतलब इधर सलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। नियर द फेनरिक्स एंड बिलो द टंग, टंग के नीचे होता है थोड़ा सा। इट इज कैरीड इन द माउथ वाया डक्ट्स, ये मुंह में डक्ट से कैरी होता है। डक्ट आर लाइक पाइप ओपनिंग होती है, डक्ट का मतलब, ठीक है। इट मिक्सेस विद द फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, जब तुम खाना चबाते हो तो तुम्हारे फूड में मिक्स हो जाता है। अगला जो है देखो वो है फेनरिक्स और थ्रोट, उससे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। द ओसिफोगस एंड द ट्रैकिया ओपन इन टू द फेनरिक्स। तो जो तुम ओसिफोगस और पढ़ने वाले हो अभी, ठीक है, और ये जो फेनरिक्स और थ्रोट है, देखो द ओसिफोगस एंड द ट्रैकिया ओपन इन टू द फेनरिक्स। तो फेनरिक्स वो पार्ट है तुम्हारे बॉडी का, ये वाला, इसमें तुम्हारा ओसिफोगस जाके ओपन होने वाला है, ठीक है। और जो तुम्हारा ट्रैकिया है, जहां से तुम्हारा सांस जाता है, ठीक है, तुम्हारा जो सांस जाता है यहाँ से, तुम जो हवा लेते हो वो अंदर जाता है, वो भी यहीं पे ओपन होता है। अब ओसिफोगस देख लेते हैं। इट इज अ ट्यूब लीडिंग इन टू द फेनरिक्स टू द स्टमक, इट पुशेस द फूड फॉरवर्ड इन टू द स्टमक। ओसिफोगस एक पाइप की तरह है बच्चों, ये क्या होता है, ये तुम्हारा वो जो सांस लेते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो तुम्हारे, फूड वाला, दोनों का ओपनिंग है बेसिकली, ठीक है। और इसका काम है यहाँ पे स्टमक तक जाना, फूड को लेकर के जाना, सिंपल है, एकदम सिंपल है। अभी लीवर है और पैंक्रियाज है, इन दोनों के बारे में साइमेंटेनसली देखते हैं। तो पहले पैंक्रियाज देख लेते हैं। द पैंक्रियाज सिक्रेट द पैंक्रियाटिक जूस दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा एंजाइम है, लेकिन पैंक्रियाज का काम है कुछ पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करना, और उनका भी कुछ काम होता है, ब्लड शुगर वगैरह कुछ बताऊंगा, इंसुलिन फुंसुलिन जो भी है सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी लीवर के बारे में देख लेते हैं। तो लीवर, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो जनरल नॉलेज की बात है, लीवर आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है। इट हैज अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, इसके अंदर बहुत ब्लड का सप्लाई होता है। इट मेन
फंक्शन इज टू स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, तुम्हारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करके रखना इसका मेन फंक्शन है, ठीक है, ग्लूकोज से तुम्हें एनर्जी मिलती है। द गैल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लीवर, तुम्हारे लीवर के नीचे गैल ब्लैडर होता है, ये तुम्हारा लीवर है, इसके नीचे गैल ब्लैडर होगा ऐसा, ठीक है, ठीक है। इट स्टोर्स द बाइल जूस, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है जिसका नाम है बैल, नॉट बैल, इट्स बाइल, ठीक है, इट्स बाइल, सिक्रेटेड बाय द लीवर। व्हेन द बाइल इज कैरीड आउट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इट मिक्सेस विद द फूड एंड देन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, बाइल कंटेन्स सॉल्ट। बेसिकली बाइल के अंदर सॉल्ट होता है, तो ये जब इसके अंदर से तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है भाई साहब, ये तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये फूड को अल्कलाइन बनाता है। क्या बनाता है? अल्कलाइन बनाता है, मतलब बेसिक करता है। देखो मैं एक वर्ड में तुमको सारा समझाऊंगा, एक दो लाइन में समझाऊंगा, बट अभी यहाँ तुमको समझ में आ गया कि लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है और लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड और लीवर के अंदर एक गैल ब्लैडर होता है उसके नीचे, जिसका काम है बाइल जूस सिक्रेट करना, जो फूड को क्या करता है, अल्कलाइन बनाता है। क्या बनाता है? अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, बेसिक बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब स्टमक पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा फूड को बेसिक बनाना क्यों जरूरी है। देखो द लार्ज सैक लाइक पार्ट, मतलब एक सैक लाइक पार्ट है, लार्ज सैक लाइक पार्ट है, देखो ये वाला, ठीक है, जो जे शेप का होता है, इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल, इसको स्टमक बोलते हैं, ठीक है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब यहाँ पे गैस होगा कुछ, ठीक है, सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, तो इसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होते हैं। फूड दैट हैज एंटर्ड द स्टमक इज चर्न्ड थ्री कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस, नेमली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी याद रखो मैंने कहा एसिड, याद रखना, ठीक है, मैंने कहा एसिड, तो तीन गैस्ट्रिक जूसेस है जो तुम्हारे, जब तुम्हारे पेट में खाना जाता है बेसिकली, तो उसको मिलाया जाता है अच्छे तरीके से, और तीन जूसेस मिलती हैं जिसमें एक है हाइड्रोक्लोरिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन, याद रखना, और तीसरा है म्यूकस। तो ये तीन चीजें होती हैं भाई साहब जो तुम्हारे स्टमक के अंदर, एलिमेंट्री कैनल के अंदर तुम्हें मिलती हैं, आर मिक्स्ड विद द फूड देयर एंड इट बिकम्स एसिडिक। तो क्या बन गया भाई साहब, आपका खाना बन गया एसिडिक स्टमक में। अब स्टमक से जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसको बेसिक करने की जरूरत होगी, और वो बेसिक करेगा ये बाइल जूस। बहुत सिंपल है, आई होप कि समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, मेनली प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक, जो तुम्हारा प्रोटीन है वो स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू द चर्निंग ऑफ द एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस फूड बिकम्स अ सेमी सॉलिड स्लरी विच इज स्लोली पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये चर्निंग के कारण और ये मिक्सचर के कारण तुम्हारे खाने को बेसिकली थोड़ा सड़ाया जैसा जाता है, तो वो काफी पतला सा हो जाता है, और वो कहाँ जाता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और अब स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे हम कि क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो यार, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन भाई साहब ये 6 मीटर लंबा है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस हियर, बहुत सारा पार्ट ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। अगला लाइन का मतलब है, देयर आर डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस आर मिक्स्ड विद द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन इन टू द ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेंड बाय द डाइजेशन ऑफ द फूड ऑल्सो ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो तुम्हारे ब्लड में जो एब्जॉर्प्शन होने वाला है खाने का, जो खाना एब्जॉर्ब होने वाला है, अब वो सॉल्युबल बन चुका है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बातें करते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, स्मॉल वाला भाई साहब 6 मीटर लंबा था, ठीक है, यहां पे देख लो 6 मीटर और ये 1.5 मीटर लंबा है, तो बड़ा कौन है, स्मॉल है, लेकिन नाम उसका स्मॉल है, ठीक है, समझ गए होगे तुम। ओनली वाटर इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये वाला पार्ट है तुम्हारा, देखो ये तुम एरो देख ही रहे होगे मेरे हिसाब से, इसका काम है खाली वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अ स्मॉल पार्ट कॉल्ड एज अपेंडिक्स, एक छोटा सा पार्ट होता है भाई साहब अपेंडिक्स, इट अटैच टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन के एक छोटे से पार्ट में अपेंडिक्स जैसा कुछ होता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड रिमेंस ऑफ द फूड डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन, अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, तो ये जो तुम्हारा एनस है भाई साहब, ठीक है, एनस, तो जो भी तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी जो चीजें हैं वो तुम्हारा यहां से निकल जाता है, एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये 1.5 मीटर लंबा होता है और इसके पास एक अपेंडिक्स जैसा पार्ट है स्टार्टिंग में, जो अगर बढ़ जाए तो उसको काट के हटाना पड़ता है। ये जानवरों के अंदर हेल्पफुल होता है, क्योंकि जानवर क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं, क्लोरोफिल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मगर हम पका हुआ खाना खाते हैं, हम कच्चा खाना नहीं खाते हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर बढ़ जाए तो उसको निकालना पड़ता है, यहाँ पे खाली वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो आई होप कि तुम्हें ओवरऑल समझ में आ गया होगा, लास्ट में मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो यार, ये वाला पार्ट पहले बता देता हूँ,
धूम्रपान तंबाकू जानलेवा है, इससे कर्क रोग हो सकता है। तुमने बहुत कुछ देखा है और तुम लोगों को मना करो यार, तुम्हारे फैमिली में कोई कर रहा है तो उसको भी मना करो। और ये प्लीज रीड कर लेना, ये तुम्हारा काम है यार, ये काफी सिंपल है। मैंने बस अवेयरनेस कर दिया, तुम टीवी में भी देखते हो कि ये सब मत करो प्लीज, और तुम भी कभी मत करना, नशा खराब चीज है, मत ही करना। अभी ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव जूसेस, देयर सिक्रेशन एंड स्टमक के बारे में। माउथ की बात करें तो वहां पे सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो प्लेटीन मतलब सलाइवरी सलाइ क्या था एमलिस, सलाइवा में एमलिस, ठीक है, वो उसको रिलीज करता है और उसका काम है स्टार्च को कन्वर्ट करना मैल्टोज में, एक टाइप के शुगर में। स्टमक की बात करें तो गैस्ट्रिक वॉल होता है, वहां पे गैस और तीन टाइप के जूस सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है फूड को एसिडिक बनाना, पेप्सिन का काम है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करना, आपने देखा था कि एलिमेंट्री कैनल मतलब पेट में ही बहुत सारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। म्यूकस का काम है प्रोटेक्ट करना इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस इज लाइक सेम्बुड, उसका काम है प्रोटेक्ट करना तुम्हारे अंदर के लाइनिंग को स्टमक के। लीवर का काम है बाइल जूस सिक्रेट करना और ये खाने को अल्कलाइन बनाता है, यहाँ पे जो एसिडिक बना उसको अल्कलाइन बनाना जरूरी है, बेसिक बनाना जरूरी है। टू कन्वर्ट द लार्ज फैट पार्टिकल्स इनटू स्मॉल वंस, मतलब बड़े बड़े फैट के जो पार्टिकल्स होंगे उसको स्मॉल करना भी इसका काम है। यहाँ पे बहुत सारा ग्लूकोज स्टोर होता है, ये भी तुमने पढ़ा था। पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाटिक जूस तीन टाइप के, ट्रिप्सिन, लिपेस एंड एमालिस, ये का काम है टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, ट्रिप्सिन का काम है। लिप्स का काम बताओ, लिपेस का काम बताओ तो टू कन्वर्ट द फैटी एसिड इनटू फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल, मतलब ग्लिसरॉल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है बेसिकली। एमलिस का काम है टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर, तो जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तुम ले रहे हो जैसे कि चपाती, उसको सिंपल शुगर मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करना इनका काम है, या सुरकोज किसी चीज में कन्वर्ट कर देना, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करो तो इसका काम होता है इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करना और टू कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसा मैंने बताया उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। टू कन्वर्ट द फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसिरोल, फैट को फैटी एसिड और एल्कोहल, ग्लिसिरोल का मतलब यहाँ पे एल्कोहल है बेसिकली, एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो भाई साहब माउथ स्टमक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये जो भी पार्ट है ये स्टमक के अंदर आता है, गैस्ट्रिक वॉल, लीवर और ये पैंक्रियाज। तो बहुत अच्छी तरीके से हमने देखा है, बहुत अच्छी तरीके से देखा है। कुछ क्वेश्चन आंसर है इनको जरूर ट्राई करना, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आंसर है इनको जरूर ट्राई करना। और मैं कुछ नया सोच रहा था आप लोगों के लिए, और मैं वो सोच रहा था, मैं बताता हूँ मैं क्या सोच रहा था, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा पेन मोड चेंज कर लेते हैं। चलो तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अगली बार से जो लेक्चर्स लूंगा मैं उसमें कुछ क्विजेस डाल दूंगा मैं नीचे, ठीक है, इन क्विजेस को तुम आंसर करोगे, बेसिकली तुम इसको आंसर करोगे, एक गूगल फॉर्म होगा, गूगल वाला ये क्विज होगा, गूगल पे ली जाएगी ये क्विज और तुम उसको आंसर करोगे और तुम्हारा जो भी आंसर आएगा तुम बताओगे, ठीक है, और तुमको उधर ही स्कोर पता चल जाएगा। तो क्या मैं ये करूँ, अगर आपने यहाँ तक देखा तो बताना मुझे। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि प्लीज आप अगर सेवन्थ के हो और आप चाहते हो कि मैं सेवन्थ के वीडियोज बनाऊँ तो और भी बच्चों के साथ इसको शेयर करो, सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर करो। और हाँ, अगर इस चैनल पे नए हो तो यार इस चैनल पे ऐसी चीजें आएंगी, पूरा सेवन्थ स्टैंडर्ड कवर करूंगा, इट्स अ प्रॉमिस, साइंस तो एटलीस्ट कवर करूंगा ही, तो कर लो। और अगर तुम्हारे कोई भी भाई बहन अगर नाइन्थ या टेंथ में, तो उनको बोलो कि अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, मेरे काफी सारे लेक्चर्स होते हैं अनअकैडमी पे, तो वहां पे ज्वाइन करो, कोड है मेरा शुभम 0011, इस कोड का इस्तेमाल करके आ जाए अनअकैडमी पे और ज्वाइन कर ले। एंड गाइज, अगर तुम्हें इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो प्लीज बता देना, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल से मान लो ना कि तुम्हारा ये मुंह है, ठीक है, तुम्हारा मुंह है, मुंह में दांत होते हैं, दांत हेल्प करते हैं पतला करने के लिए, वहां पे सलाइवा मिक्स होता है, फिर ऑसिफोगस के थ्रू अंदर पेट में जाता है, पेट का काम है चर्न करना फूड को, जे शेप का होता है ये फूड को चर्न करता है, इसमें तीन टाइप के जूसेस मिक्स होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, और एसिडिक बन जाता है, फिर थोड़ा और पतला होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है। लीवर यहां से बाइल जूस सिक्रेट करता है, पैनक्रियाज पैनक्रियाज भी काफी सारे जूसेस सिक्रेट करते हैं। बाइल जूस का काम होता है एसिडिक फूड को कन्वर्ट करना, अल्कलाइन मतलब बेसिक बनाना, और फिर जो भी एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी रिमेन बच जाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन के ओपनिंग में अपेंडिक्स होता है, नाम लार्ज है लेकिन है छोटा, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है खाली, और बाकी जो भी चीजें रही वो एनस से बाहर चली जाती है। एकदम सिंपल है, दो तीन बार सुन लेना, इस तरीके से तुम भी याद कर लेना। और मेरी बात सुनो, इस लेक्चर को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ठीक है, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना यार, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सबसे इंपॉर्टेंट यार, कीप स्माइलिंग, खुश रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर के आएगा, टेंशन मत लो। चलो बाय बाय, खुश रहना।